तो गाइस ये है एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। इसे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया है रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये अब बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे इस स्पीकर को खोल के कि इसके अंदर कंडीशन क्या है, कौन सी क्या खराब हुआ है और ये रिपेयर हो पाएगा या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, स्पीकर को ऑन करने पे LED ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है, लेकिन इसमें से कोई साउंड नहीं आ रहा। तो फटाफट इसे खोल लेते हैं। ये रहा गाइस इसका मेन मदरबोर्ड। पहले तो इनसे वायर को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बोर्ड को बाहर निकालेंगे। बोर्ड में उतना कुछ खास है नहीं, एक ब्लूटूथ आईसी, एक पावर आईसी और एक एम्पलीफायर आईसी। और ये रहा इसका बैटरी कनेक्टर, इस साइड प्लस है और इस साइड माइनस। और उसके ही पास में है स्पीकर का कनेक्शन और ये है इसका माइक का कनेक्शन। और गाइस यहाँ पे 5 वोल्ट का कनेक्शन है, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे चार्जिंग का 5 वोल्ट पिन है, वो यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। और इसके ही दूसरी तरफ है चार्जिंग पिन का कनेक्शन, यहाँ पे USB Type-B कनेक्ट होता है। इस कनेक्टर को मैंने मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से 10 रुपये में लिया है। इस पिन को बोर्ड में लगाने से पहले कनेक्टर के किस पिन से प्लस वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट होगा उसे देखना जरूरी है, ताकि बोर्ड के साथ मैच हो सके। अगर गलती से भी गलत कनेक्शन हो जाए तो यहाँ पे बोर्ड खराब हो जाने का रिस्क है। इस कनेक्टर का ये पिन ग्राउंड है, यानी कि नेगेटिव पिन, जो कि बोर्ड के साथ बिल्कुल मैच कर गया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे कनेक्टर को मैंने बिठा दिया है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, मतलब सिर्फ सोल्डरिंग आयरन की मदद से बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब इन सब पिन को कनेक्ट करते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। अब इसको चार्जिंग पे लगाते हैं और लगाने के साथ साथ यहाँ पे इंडिकेटर ऑन हो गया है, मतलब स्पीकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको ऑन करके देखते हैं कि अब ऑन होता है या नहीं। तो स्पीकर बिल्कुल ऑन हो गया है। अब इसे जल्दी से असेंबल कर लेते हैं। देर के लिए ऐसे ही चार्ज पे छोड़ देते हैं। तो स्पीकर लगभग आधा घंटा चार्ज पे रहा है। अब इसे ऑन करते हैं, लेकिन ये तो ऑन नहीं हो रहा। अब फिर से इसे खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या हुआ है। ओह तो गाइस यहाँ पे छुटकू सा एक बेस रेडिएटर है। अब यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम हो सकता है बैटरी का, जो कि हमें इसे खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइस ये देखो एक छुटकू सा बैटरी और एक थोड़ा सा फूल चुका है। तो इस बैटरी को खोल के बाहर निकालते हैं। तो गाइस ये देखो ये 1000 mAh का बैटरी है, 3.7 वोल्ट, और बैटरी बिल्कुल बेकार हो गया है। अब इस बैटरी के बदले 2000 mAh का बैटरी यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत वाली बात है, ये लंबा सा बैटरी यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए कुछ जुगाड़ चाहिए। जैसे ही देख सकते हो बहुत ही स्पेस ले रहा है, अब इसे बंद करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे स्पीकर का जो बैटरी का प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सॉल्व हो गया है। अब फटाफट इसे असेंबल करते हैं और उसके बाद फाइनल टेस्टिंग करें। तो यहाँ पे स्पीकर तो ऑन हो गया है। अब कुछ बेस बूस्टेड सॉन्ग को प्ले करके देखते हैं। गाइस इसका साउंड क्वालिटी जबरदस्त है, मतलब एक एक बीट यहाँ पे फील हो रहा है। इस साइड में जो छोटा छोटा गैप दिख रहा है उसके अंदर से ही बेस निकल रहा है। और आप देख सकते हो इसी स्पीकर से साउंड निकल रहा है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से एक लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सब्सक्राइब भी करके रखो।